धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शहनशाह शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। कहां हमारे भाग थे और ना था कोई बनाने वाला, हम यूं ही भट झोंकते मर जाते, अगर ना आता शामस्ताना बलोचिस्तानी सच्चे सौदे वाला। जिन्नी राही मेरा सोना लंघदा, जिन्नी राही शामस्ताना दी लंघदा, क्यों ना होण सलामा तुड़ी मैं तेरे परम दा रूप इना दा मुकड़े ते खुशियां छाइयां, परम दा रूप इना दा मुकड़े ते खुशियां छाइयां, हर हर वाते वाग रहे ने उड़िया ने जुनकारा, सतगुरु मेरा वांग समुंदर कदम टिकांदे जीनू मिले सहारा, जिस मंजिल ते कदम टिकांदे मिले सहारा, प्रेम दा सागर अरसी छाया बरसे अमृत धारा, भौरे बन जांदे मस्ताने, ओ भौरे बन जांदे मस्ताने, चलदिया मस्त हवावां कुड़ी मैं तेरे चरना दी, चुक मथे नाल लावां कुड़ी मैं तेरे चरना दी, चुक मथे नाल दुख दर्द ते झगड़े सारे जन्म मरण मुक जाते,
या मस्ताना जी कट दे चौरासी जो तेरे दरिया ने, या मस्ताना जी कट दे चौरासी जो तेरे दरिया ने, सतगुरु मेरा वांग समुंदर तोड़ी मैं तेरे चरणां दी सुख मते नाल लावां, तोड़ी मैं तेरे चरणां दी सुख मते नाल लावां, जिन राही मेरा सोना लंघदा, जिन राही मेरा शैन शा लंघदा, नो नो होल सलावां, तोड़ी मैं तेरे चरणां दी सुख मते बाबा जी तेरा प्रेम निराला पावेगा कोई करमायाड़ा, तू तो इनामी का हजूर से, बाबा जी तेरा प्रेम निराला पावेगा कोई करमायाड़ा, तू तो इनामी का हजूर से, बाबा जी तेरा प्रेम निराला पावेगा कोई करमायाड़ा, तू तो इनामी का हजूर से, बाज मस्तानी ने लिया है जन्म, कर लो जी दर्शन कटेंगे करम, ओ बोज मस्तानी ने लिया है जन्म, कर लो जी दर्शन कटेंगे करम, श्याम सीताना जी ने लिया है जन्म, कर लो जी दर्शन कटेंगे करम, बाबा जी तेरा प्रेम निराला पावेगा कोई करमायाड़ा, तू तो इनामी का हजूर से, खुशियों का उडर गुला जन्म दिन सती गुरु का, खुशियों का उडर गुला जन्म दिन सती गुरु का, जन्म दिन सती गुरु का, ए मैनेजर साहिब का, ओ जन्म दिन सती गुरु का, जन्म दिन सती गुरु का, ओ तो सीनी सीनी उडर गुलाल बाबा तारे ढेर में, सीनी सीनी उडर गुलाल बाबा तारे ढेर में, बाबा तारे ढेर में, रे में हो बाबा तारे ढेर में, जगमाल वाली ढेर में, हो तो सीढ़ी सीढ़ी उड़ गुलाल बाबा तारे ढेर में, सीढ़ी सीढ़ी उड़ गुलाल बाबा तारे ढेर, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम सना मेरी रंग दे चुनरिया, बाबा सैन मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ओ ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, दो भी दोए चाहे सारी उमरिया, दो भी दोए चाहे सारी उमरिया, श्याम स्थाना मेरी रंग दे चुनरिया, तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे, वो तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे, तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे गुण तेरा गाएंगे, खुशियां मनाएंगे गुण तेरा गाएंगे, हम तो नाचेंगे तेरा सोना।
है दरबार हम तो नाचेंगे, तेरा सोना है दरबार हम तो नाचेंगे। जे मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागां दा, जे मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागां दा, तेरे बागी पे लफोंदा तेनू नचे के वखो, तेरे बागी पे लफोंदा तेनू नचे के विखोंदा, नारे रज रज दर्शन पांदा पांदा। जे मैं होंदा जे मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागां दा, नचदा ओंदा वेड़े ओंदा तेरे नेड़े नेड़े, ओ नचदा नचदा ओंदा वेड़े ओंदा तेरे नेड़े नेड़े। से मैं होंदा रातिया मोर तेरे बागां दा, ओहो जे मैं होंदा रातिया मोर तेरे बागां दा, पहला फोंदा तेनू नचे के वखोंदा, तेरे बागी पहला फोंदा तेनू नचे के वखोंदा, नारे रज रज दर्शन पौंदा पौंदा। समय होंदा रातिया मोर तेरे बागां दा, रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया, शाम स्थाना मेरी रंग दे चुनरिया, सैन शाह मेरी रंग दे चुनरिया, काले काले बदलो किधर नू जांदे हो, काले काले बदलो किधर नू जांदे हो, किधरे जाके बरसो के जी असी नच लो कले नू, तरसो के जी असी नच लो कले नू, बिना जाऊंगी बिना रंग तो बीत जाए चाहे सारी उमरिया, वो चाहे बीत जाए ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, तो भी धोए चाहे सारी उमरिया, वो तो भी धोए चाहे सारी शाम। मस्ताना यार बनाया मेरी हो गई बल्ले बल्ले, मस्ताना यार बनाया मेरी हो गई बल्ले बल्ले, सो सो कसम दीना ने किते सो सो कसम जिना ने किते कख नी होना बल्ले। शाम मस्ताना यार बनाया शाम मस्ताना यार बनाया मेरी हो गई बल्ले बल्ले, सर पर मेरे भारी गगरिया, ओ सर पर चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, तो चली आऊंगी बाबा तेरी नगरिया, शाम स्थाना मेरी रंग दे चुनरिया, वो बेपरवाह मेरी रंग दे चुनरिया, शाम स्थाना मेरे रंग देखे सिलो, ओ शाम स्थाना मेरे रंग देखे सीनू, हो कट देवे मेरे सारे कलेस नू, कट देवे बाबा सारिया दे कलेस नू, शाम स्थाना मेरी रंग दे चुनरिया, मैनेजर साहब मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुनरिया, दो भी दोए चाहे सारी उमरिया, दो भी दोए चाहे सारी उमरिया, बाबा जी तेरा प्रेम निराला, पावे का कोई करी मायाला, तू तो इनामी का हजूर से, तो इनामी का हजूर से,
अमित चल कखूटा आया से बांटने को नाम की दवा लाया से अमित चल कखूटा आया से बांटने को नाम की दवा लाया से खुशियां मनान का समा आया से खुशियां मनान का समा आया से चारों पासे नाम का नशा छाया से बाबा जी तेरा प्रेम निराला अब का कोई करमायाला तू तो इनामी का हजूर से देखना शशान तेरी मनेर जैसे खोलूं सूं जब आंख बाबा तू दिखसे देखने शीशान तेरी मनेरी जैसे खोलूं सूं जब आंख बाबा तू दिखसे दूर कुकर जाऊं तेरा प्रेम खिचसे ओ दूर कुकर जाऊं तेरा प्रेम खिचसे प्रेम वाले रंग में अंग भिजसे बाबा सी तेरा प्रेम निराला का कोई करमायाला तू तो इनामी का हजूर से तेरा जग माल वाली दाम से तेरा रूह को तार देना काम से तेरा तेरा जग माल वाली दाम से तेरा रूह को तार देना काम से तेरा सारी दुनिया में बड़ा नाम से तेरा ओ सारी दुनिया में बड़ा नाम से तेरा मैनेजर साहिब जिंदा राम से मेरा बाबा जी तेरा प्रेम निराला बावे का कोई करमायाला तू तो इनामी का हजूर से बाबा जी तेरा प्रेम निराला कोई करमायाला तू तो इनामी कहा धन धन सतगुरु तेरे आसरा श्याम मस्तान अवलोक
तो अभी बेनती है कि उधर जो लंगर है वो चलता रहेगा और जो संत महात्मा है उनको स्टेज पर आना चाहिए। तो ठीक है कोनी संगत बैठी है, संगत किधर बैठी है? उधर लंगर चल रहा है, वो अपना कमरे बैठे है। तो इसलिए मेरे ख्याल आ गए नंदन सतगुरु जी तेरे आशीर्वाद। मालिक की ये पहला फर्ज़ हमारा।
लक्ष्य क्या है और जीवन का लक्ष्य बताएंगे कौन, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए। जितने संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म ग्रंथ हैं सब ने एक ही निचोड़ दिया है, निष्कर्ष निकाला है ये कि हम सारे जीव तमाम चराचर उस मालिक की अंश हैं। मालिक निराकार है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, वो शब्द के रूप में, वर्ड के रूप में है। उसी से सारी कायनात की सृष्टि की रचना हुई है। रेफरेंस आया गुरुवाणी में, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाचे, नानक शब्द घटो घटाचे। सब कुछ, सब की रचना शब्द से हुई है और घट घट में उसका पसारा है। वो मालिक जो निराकार है, शब्द रूप में है, उससे सारी हम रूहें निकलने के बाद में 84 में 8,40,00,000 साल तक धक्के खाते रहे, घास फूस पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, उस एक तत्व के जल के जीव एक एक करके, फिर उसके बाद में उड़ने वाले पखेरू या पक्षी एक एक करके बने, चौपाए जानवर सब प्रकार के बनने के बाद में करीब 8,40,00,000 साल तक इनमें भटकने के बाद में, लंबे अरसे तक इंतजार करने के बाद में उस मालिक को तरस आया, सबसे उच्च कोटि की योनि इंसानी जामा हमें दिया, जिसमें पांचवा तत्व डाला, बुद्धि तत्व, विजडम एलिमेंट, जो हमें तौफीक देता है, पावर देता है कि हम अच्छे और बुरे की पहचान कर सके, हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या है इसको समझ सकें। दूसरी जितनी भी योनियां हैं वो मालिक की बंदगी नहीं कर सकती, क्योंकि उनको समझ नाम की चीज़ है नहीं। पांचवा जो विजडम एलिमेंट इसमें डाला गया है, बुद्धि तत्व डाला गया है, केवल यही पहचान कर सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। पर हम उस मालिक की अंश हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कहे कबीर इहु राम की अंश, ये राम की अंश है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन्होंने अध्ययन किया, कभी वास्ता पढ़ा हो, उसमें एक ही बात कही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। वास्तव में हम सारे ब्रह्म थे। जब समुन्दर मालिक रूपी समुन्दर से हमारी बूंद रूपी आत्माएं अलग हुई थी, जब तक प्योरिफिकेशन था, पाक साफ थी, तब तक समुन्दर ही थी एक प्रकार से। पर इसमें विषय वासनाओं का कीचड़ समा गया, जिसके कारण हम अपने निजी स्वरूप को भूले बैठे हैं। परम पुनि श्याम अस्ताजन जी के समय की एक सुंदर सी, अति सुंदर एक मिसाल आती है। फरमाया करते थे, एक गडरिया भेड़े चराने के लिए जंगल में ले गया, एक शेर का बच्चा हाथ आ गया। वो बच्चे को उठा करके ले आया, कई दिन भेड़ों का दूध पिलाता रहा। वो बच्चा पाल पोस के बड़ा हो गया, वो बच्चा शेर का, शेर के रूप में वो बन गया, पर वो अपने आप को भेड़ का बच्चा समझने लग गया। एक दिन दूर जंगल में फिर कहीं चराने के लिए ले गया, एक बब्बर शेर दूर देख रहा था, उसने भेड़ों का बच्चा यानी हमारा बच्चा शेर भेड़ों के बीच में इशारा दे के अपनी तरफ बुलाया, तू हमारा बच्चा भेड़ों के साथ में कैसे भटक रहा है। कह नहीं, मैं तो भेड़ का ही बच्चा हूँ। कह नहीं, हमारा बच्चा। कह नहीं, मैं भेड़ का बच्चा हूँ। कुएं के पास में ले गया, देख इसमें अपना प्रतिबिंब, छाया देख अपनी। कह मेरी भी देख, मेरी शक्ल तेरे से मिलती है, छाया देख। कि हाँ, एक जैसी शक्लें हैं, दहाड़ मेरी तरह। वो बच्चा भी शेर की तरह दहाड़ा, बब्बर शेर की तरह, और वो गडरिया भी भाग गया, भेड़े ही भाग गई। वो बब्बर शेर कौन था? वो मालिक तो निराकार है, पर हमारी संभाल करने के लिए साकार रूप बब्बर शेर का लेकर के संतों का, गुरु का रूप लेकर के आते हैं। और वो आत्मा कौन है? वो आत्मा शेर का बच्चा था, जिसको विषय वासनाओं की इंद्रियों का, जो भेड़ें थी इंद्रियें, उनका विषय वासनाओं रूपी जो दूध पिला पिला के, पिला पिला करके उसके अंदर की जो ओस मारी गई, उसका जो जोश मारा गया, वो अपने आप को भेड़ों का बच्चा समझने लग गया। इस तरह से हम उस मालिक की अंश हैं। हमने अपने स्वरूप को भूला हुआ है, हम सब भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। पर वो मालिक कभी किसी कामल रहवर के रूप में बब्बर शेर की नाई इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं। काम जो किस्मत वाले जीव, जिनको ऐसा मौका मिलता है, जो ऐसे संत की, ऐसे बब्बर शेर नुमी रूपी संत के संपर्क में आ जाते हैं,
वो कहते हैं तू हमारा बच्चा है, कहां भटक रहा है, विषय वासनाओं का रस पी पी करके अपना स्वरूप को, निजी स्वरूप को भूला हुआ है तू। तेरा ये देश नहीं है, टेम्पररी मुल्क है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ किसी के लिए परमानेंट पटा नहीं है। तू चल, तेरे देश ले चलू, मेरा तू मेरा बच्चा है। वो विश्वास नहीं करता, तो वास्तव में वो दिखवा करके, जैसे प्रतिछवि उसने दिखवाई उसमें कुएं में, उसका प्रतिबिंब दिखाया, अपना दिखाया, उसके बाद में अपनी सोबत में बांध करके उसको अपने निजधाम निर्देश ले गया। ऐसे ही हम अपना विषय वास, दुनिया की विषय वासनाओं रूपी इंद्रियों के भेड़ों का रस पी पी करके, जहर पी पी के अपना निजी स्वरूप भूले हुए हैं। वो कोई संत बिरला कामल रहवर जो इन चीजों से ऊपर उठा हुआ है, जो मालिक का रूप है, उसकी सोबत में आने के बाद में वो बताएगा कि ये तेरा असली देश नहीं है, तू शेर का बच्चा है, तू बंदगी कर, पाक साफ कर अपने आप को, मैं तेरे को ले चलूं। इसलिए वो लक्ष्य बताते हैं कि चाहे तू कितना ही बड़ा कुछ बन के जा इस संसार में, विश्व का सम्राट भी बन जा, अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सके, अपने आप को पहचान नहीं सके, तो अपने समय वेस्ट करके हम चले जाएंगे वापस चौरासियों में, धक्के खाने का रास्ता ही प्रशस्त करेंगे। इसलिए कि तू बंदगी का रास्ता अपना, कोई कामल रहवर की शरण पकड़, पिछला खाता कर्मों का साफ करवा के बाकी बचे जीवन को पाक साफ रखने के लिए उस मालिक की श्वास श्वास में बंदगी कर, ये तेरे जीवन का असली काम है, पहला काम है, बाकी सारे बाद में आते हैं। जिसको गुरुवाणी में परमगुरु बाबा जी अक्सर सत्संग को सावचेत किया करते थे, हमें रोशनी डाला करते थे इस बात पर, इस श्लोक के जरिए। क्या गुरुवाणी का श्लोक है, अवर काज तेरे किते न काम, कर साथ संगत भज केवल नाम। और कोई काम तेरे काम का नहीं है, तू पूरे गुरु की सत्संग कर और सतगुरु का नाम भज, केवल यही तेरे साथ में चलने वाला है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। इसे जन्म में कर सभी माध्यम में रामनिवास बाग में परम पूज्य बाबा जी के पीछे पीछे हम चल रहे थे, एक माँ का वहाँ फोटो देखा, उसके घर में एक बच्चा उल्टा लटक रहा था, पुकार कर रहा था, हम सब ने देखा, उन्होंने भी देखा। जब सत्संग में जाकर स्टेज पे विराजे तब खुलासा किया कि वो बच्चा पुकार कर रहा था कि हे मालिक, मैं उल्टा लटका हुआ, टट्टी पेशाब की थैली में पड़ा हूँ, मेहरबानी कर मुझे बाहर निकाल। मालिक ना कह निकाल दूंगा, लेकिन एक वायदा कर मेरे से, वचन दे मुझे। क्या? बाहर जाते ही मेरा नाम जपेगा। के वचन दिया कि तेरे को कीमती, सबसे कीमती पूंजी दे करके बाहर भेजता हूँ, सच का बिजनेस करना। उस सांसों की कीमती पूंजी दे करके उन्होंने, मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही जैसे क्लोरो, वो कौन सी इंजेक्शन बेहोशी का लगा दिया, हम सब भूल गए माया के असर से, इंद्रियों में, इंद्रिय सुख में उनका रस पीने की ओर लग गए, और मालिक के नाम को, उसको दिए वायदे को बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल गए। मालिक ने वचन हमसे ये लिया था कि श्वास श्वास पर उस मालिक को मेरा नाम जपना,
और हम श्वास श्वास पर दुनिया के उल्टे काम करने लगे, जो कूड़ पसा रहा है, कूड़ का बिजनेस कर रहे, मकान बना लिया साथ नहीं जाएगा, स्कूटर खरीद लिया, मोटर कारें खरीद ली, और मकान को सजाने के लिए डबल बेड, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह या एसी और जितने साजो सामान चाहे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों में उड़ो, इस सुख के सारे साधन इकट्ठे कर लिए, सारे यहीं छूटने वाले हैं। ना कोई साथ लाया है, ना कोई साथ लेकर के जाएगा। हमने जो श्वासों की पूंजी, हर श्वास उस मालिक के सुमरन में, जो सच का बिजनेस है, सच का बिजनेस वो जिसका फल हमारे साथ में, प्रॉफिट हमारे साथ में जा सके, हमारे रूह के साथ में जा सके, वो करने के बजाय हमने फना होने वाली चीजें, पदार्थ इकट्ठे किए और ऐसे लोगों के साथ में अपना गठजोड़ कर दिया जो हमारा साथ निभाने वाले नहीं है। इसको कहा कूड़ का बिजनेस। तेरे को करना था, हम सबको ये करना था, मालिक का नाम श्वास श्वास पर जप करके और मालिक के दर पे पहुंचना था, अपने आप को प्योरीफाई आत्मा को करके उसके बाद में अपने घर देश पहुंचना था। वो करने की बजाय हम दूसरे कामों में लगे हुए, जो ऐसे कामों में जो हमारा साथ निभाने वाले नहीं है, कोई साथ निभाने वाले नहीं है। तो संत महात्मा इस और इशारा करते हैं कि तू अपना असली काम कर, वो असली काम है मालिक की बंदगी, श्वास श्वास उसको जपना, और वो श्वास की कीमत है। कबीर साहब फरमाते हैं, एक श्वास भी जात है तीन लोक का मोल। परम पुण्य शाह मस्ताना जी एक कदम और आगे बढ़ते हुए फरमाते हैं, क्या तीन लोक दिए श्वास मिल जाएगा? वो श्वास जिसकी कीमत तीन लोक से भी बढ़कर है, आप सब विराज रहे हैं, हम सब बैठे हैं, हम सबको कितने श्वास हर आदमी को अपने जीवन काल में मिले, जब एक श्वास की कीमत तीन लोक से बढ़कर है तो हम कितनी त्रिलोकियों से ज्यादा संपदा अपने साथ में लेकर के हैं, किस काम के लिए? क्या फना होने वाले पदार्थ इकट्ठे करने के लिए? ये साथ छोड़ करके जाने वाले लोगों के साथ में गठजोड़, मोह के बंधनों में अपने आप को मकड़ी के जाले की तरह बनाकर फंस के मरना, इस काम के लिए दिए हैं? नहीं, समझाते हैं परम पुण्य श्याम मस्तानी, फरमाते थे, कम सो तेरे भले की कहूं, कम खा तेरे भले की कहूं, दुनिया से कम मिलजुल तेरे भले की कहूं, जाग जाग के उसको पा तेरे भले की कहूं, ये काम कर। तो शिक्षा ये देते हैं कि श्वास श्वास पे जाग, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम करते, कोई पल ऐसा ना हो जब तू उसको भूल जाए, ये काम है तेरा, इस काम के लिए तू आया। पर हम, ये हमारा काम है, संत महात्मा इस काम की ओर हमारा इशारा करते हैं, हमें बताते हैं कि हम, तू तेरी रूह का असली काम यह है, तू कर क्या रहा है? वही चीज शब्द के माध्यम से, भजन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहा था, जो अपना काम था भूल रहा, वो माया के झूले में झूल रहा। पर देखो, संत महात्मा कभी गृहस्थी छुड़ाते नहीं है। बताते एक शायद रोहतक का एग्जाम्पल, किसी सेठ जी ने परम पूज्य श्याम मस्ताना जी से पूछा कि आप रोज माया मोह की काट करते हो, फिर हमारा गृहस्थियों का काम कैसे चलेगा? उनका ऐसा है कि तुम्हें सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, एक अति पिछड़े गांव का व्यक्ति, अति पिछड़े घर का व्यक्ति किसी बड़े शहर में चला गया और वहां जाकर के उसने देखा कि भी कड़ाके की ठंड पड़ रही, कोई जानू नहीं, पहचानू नहीं, मित्र नहीं, दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अब जाऊं तो कहां जाऊं? पूछते पुछाते ठंड से बचने के लिए एक सराय में कमरा ले लिया, मंजा बिस्तर मिल गया, अच्छा बिस्तर मिल गया, मंजा मिल गया, दूर होटल में किसी में खाना खा के आ गया, घर से अच्छा खाना मिल गया, सारी सुविधा उनको मिल गई रात को। अब सवेरे उस धर्मशाला या सराय के कमरे को अपना बनाना चाहे, क्या उसको बनाना चाहिए? क्या उसको बनाने देगा? ऐसे रहे, ये दुनिया सराय है, यहाँ परमानेंट पट्टा किसी को नहीं मिला, यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे वर लेकर के आए, ना दिन में ना मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम को मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना धूप में मरूं, ना छांव में मरूं, ना रात को मरूं, ना दिन में मरूं, ना अस्तर से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना आदमी से मरूं, ना पशु से मरूं। वो हिरण्यकश्यप जिसको ऐसा वर मिला हुआ कहीं बैठा है क्या किसी कोने में? जाना पड़ा। रामचंद्र जी जिन्हें चार पाई के पावे के साथ में मृत्यु को बांध रखा था काल को, और इंद्र उनके घर में आकर के पानी छिड़कता था, छिड़काव करता था, और सूरज और चांद उनके रसोइये थे, कहीं बैठा है क्या रावण? ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पटा नहीं मिला उम्र भर का, तो हम कौन चीज हैं? ऋषि मुनि संत महात्मा छोड़ छोड़ के जा रहे, परम पुण्य श्याम मस्ताना जी इतनी हस्ती बड़ी के मालिक थे, इस मृत्यु लोक का सिस्टम ऐसा है, थोड़े समय के लिए आए अपना काम करके चले गए, हम किस बाग के मूली हैं? इसलिए हमें यही समझाने का प्रयास किया गया, तू जिनमें दिल लगाए बैठा ये परमानेंट नहीं है,
तू असली काम ध्यान रख, जो तेरे साथ में चलने वाला धन वो कमा, तेरे असली मकसद की तरफ ध्यान रख। मीरा जी की एक बात कही, मीरा जी को उसकी ननद कहती थी, तू रात दिन खड़ताले बजाती है, तू राम तुम घर का काम भी किया कर। तो बोलती, पहले जपूंगी पांचों नाम, पाछे करूंगी थारा धंधा, मेरे साथ में चलने वाला राम रत्न रूपी धन कमाऊंगी, ये तुम्हारा धंधा बाद की बात है। जो अपना सबका कनेक्शन, इसका ताल्लुक इस बॉडी के साथ में है, ये बॉडी फना होने वाली है, ना ये शरीर रहेगा, ना इसे संबंध रखने वाले साजो सामान जो इकट्ठे किए ये रहेंगे, ये विषय वासों में उलझा रखा है इसको। रूह उस मालिक की अंश है, इसको मालिक के घर पहुंचना है, ये काम करना था, हम इसके काम में लगे हुए हैं। ये काल नहीं चाहता कि मेरे जेल खाने से जीव मुक्त होकर के और अपने देश पहुंचे, हमें इसी में उलझाए बैठा है। उस देश को पहुंचने का मार्ग केवल पहुंचे हुए संत महात्मा, परम पुण्य श्याम मस्ताना जी जैसे, परम पुण्य बाबा जी जैसे, ऐसे संत महात्मा ही बता सकते हैं, जिसकी ओर हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। कोई किस्मत वाला भागों वाला जीव देख करके अपने आप को मुक्त होने की तरफ सोचेगा और इस तरफ प्रयास करने का कोशिश करेगा। ये वक्त सुनहरी वो गुरुओं का रूप धन परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के रूप में आए थे मालिक। ऐसे तो हम सब उस मालिक की अंश हैं, शब्द गुरु हमारे साथ में है, हर घट में उसका पसारा है, पर हम पहचानते नहीं, हम अपना निजी स्वरूप भूले हुए हैं। हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घट की, जिस घट प्रगट हुई, परम पुण्य श्याम अस्ताना जी में प्रगट रूप में काम करता था, वो मालिक के साथ में अभेद हो चुके थे, एक मेक थे, वो मालिक ही थे, इसलिए उनके समीप बैठना ही अपने आप में मालिक के समीप बैठना, उनकी संगत में बैठना है। कुरान शरीफ का एक रेफरेंस आता है, परम पुण्य बाबा जी हर सत्संग में लगभग फरमाते थे कि एक जगह रेफरेंस आया कि अल्लाह ताला बोलते हैं, जो तू चाहता है कि मेरा हमनसीन बने, मेरे पास में बैठे, तू मेरे सूफियों के पास बैठ। कैसे सूफियों की पहचान क्या, कि उनकी यही पहचान है, उनके पास मेरे जिक्र जकार के अलावा दूसरा कोई जिक्र होता नहीं है। तो परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के पास में उस मालिक के जिक्र के अलावा दूसरा कोई जिक्र होता नहीं था, वो मालिक रूपी अपने मुर्शिद को समझते थे, महाराज सावन सिंह जी का जिक्र के अलावा दूसरा जिक्र होता नहीं था। तो उनके समीप में बैठना ही अपने आप में सत्संग था, चाहे बोलते चाहे ना बोलते। सिटिंग इन एसोसिएशन विद दी परफेक्ट लिविंग डियर मास्टर, वो अपने आप में सत्संग है। एक एग्जाम्पल आपको पता है कि एक जगह आए, निवास से स्टेज पे विराज के, सारी रात भजन मंडली गाती रही, एक शब्द भी उन्होंने फरमाया नहीं, वापस अमृत वेला मोड़ करके चले गए लांगरी से, या जो नूरी बूटी के बॉडी की सेवा में था उनसे पूछा, सत्संग कैसी हुई, कि सत्संग तो हुई नहीं, आपने लफ्ज तो एक भी नहीं फरमाया। कि सत्संग नहीं हुई तो हजारों लोग जो सैकड़ों हजारों बैठे थे, कड़ाके की ठंड पड़ी थी और चांदनी रात में, उनको तेरी माऊ ने पकड़ के बिठाया हुआ था। वो मालिक का रूप होते, उनके रोम रोम से अलाही मोहब्बत की किरणें निकलती हैं, वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जैसे कहते हैं कि रोएं निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं, आमने सामने बैठे हुए लोगों को, उनकी दृष्टि जिस पर पड़ रही थी, उनके रोम रोम में से वो चीजें निकल करके उनको खुराक दे रही थी, वो सत का रूप थे, उनके समीप बैठना ही एक तरह सत्संग हो रहा था, चाहे कोई एक लफ्ज भी ना बोला हो उन्होंने। इसलिए सिटिंग इन एसोसिएशन विद एक परफेक्ट लिविंग मास्टर, वो सत्संग हो रहा है, वो असली काम करने के लिए हम आए, हम कर क्या रहे हैं, हमें बस वो संत महात्मा बताते तेरे को भेजा किस काम के लिए, तू कर किस काम रहे, तो होश कर। परम पुण्य बाबा जी कई बार फरमाते थे कि जैसे कोई गाड़े पर बोझ बहुत ज्यादा डाल दिया और बैल उसका भार ज्यादा मान लिया, कि रेतली जगह आ रही है,
तो उसको फिर वो थोड़ा सचेत करने के लिए कि भी ये गाड़ा जो है फंस नहीं जाए, उसके और एकदम से उसका जोश दिला करके गाड़ा निकाल करके ले जाते थे। ऐसे जीव को संत चेताने के लिए आते, होश कर होश कर होश कर, किस काम आया, किस काम लगा हुआ है, समझ ले तू। तो ऐसे परम पूज्य श्याम अस्थाना जी ने अपने कितने, आप बताओ, एक मिनट एक सेकंड चैन नहीं लिया उन्होंने, 12-14 साल जब तक रहे आप सामने एग्जाम्पल के रूप में विराजमान है, सोने का तो कभी नाम ही नहीं। एग्जाम्पल देते थे, हम यहाँ गधे बैल खाते हैं, बुनिया खाते हैं, बैल बुनिया खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक से एक बढ़िया, कुत्तों के नोट का हार बांधते हैं, बैलों के पशुओं के उसका नोटों के हार बांधते हैं, आदमियों को नोट बांटते हैं, सोना चांदी बांटते हैं, कपड़ा बांटते हैं, संगे मरमर के मकान बना बना के एक सेकंड में गिरा देते हैं। क्या तुम्हें भरपेट रोटी नहीं दे सकते, तुम्हें एक कड़छी दलिया या एक मुट्ठी चना 24 घंटे में, और इतना काम लेते हैं, सोने देते नहीं। तो पुत्र तुम्हारा मन कहता होगा कि तुम हमें सब कुछ मिल सकता, फिर ये इनको ऐसा कर रहे हमें क्यों नहीं देते, कि तुम्हें माया मोह में थोड़ा फंसाना, एक जन्म ओखा सोखा गुरु लिखे लगा दो, फिर सदा सदा के लिए मुक्त। इस काम के लिए वो आते हैं, वो काम कराने के लिए आते हैं, और वास्तव में 12-14 साल वो यही काम करवा के गए। हम कर क्या रहे हैं, ये विचार करने की बात में इस भजन के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा, संदेश दिया जा रहा है। ये जन्म अमूल के पाया है, ये जन्म अमूल के पाया है, खाने सोने में इसी को गवाया है, खाने सोने में इसी को गवाया है, जो आप भी जीत ना पाया है, पाए दुख नारी को जन्म क्यों आना ही पड़ेगा। वो तरसते हैं कि हे मालिक, हमें किसी दूसरी योनि में ना डाल देना, हमें इंसानी जामा ही मिले, हम कोई काम वाल रहवर ढूंढ करके अपना पुराना काता साफ करके बाकी बचे जन्म में उनकी मर्यादा में रह करके अपने आप को पाक साफ करके जो जाही का भावता सोता ही के पास हम वापस अपने घर पहुंच जाएं, उस मालिक में मर्ज हो जाएं, विलीन हो जाएं। इसलिए हमें इंसानी जामा मिले। एक जगह रेफरेंस आया है, पूजने योग गुरु नानक साहब कहीं जा रहे थे तो बताते हैं गंगा माता जी वहां आकर के उपस्थित हुई कि मेरे पर पापियों ने बड़ा मैल चढ़ा रखा, मैं बेचैन रहती हूँ कि लंगर लगा, देवता और पता नहीं कौन कौन सारे इनवाइट किए गए, वो उन्होंने आकर के सलाम किया, वंदना की, चरण वंदना की कि हमारे पर कृपा करना, हमारी योनि खाने के बाद में हम वापस जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, हमें इंसानी जमा मिले, हम सब यहाँ बैठे हैं, सारे साफ साफ चेती से समझने की कोशिश करें, जो चोला हमें मिला हुआ है मालिक की कृपा से, देवता लोग जिसको पाने के लिए तरस रहे, हमें मिला हुआ है और इतनी कीमती श्वासों की पूंजी मिली हुई है, वो मालिक का नाम जपने के लिए, इससे 84 के बंधन से मुक्त होने के लिए मिला है। अगर फिर भी हम अगर साफ चेत नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, और वो असली काम जो करने वाला है वो नहीं करके उल्टे काम करेंगे, तो 8,40,00,000 साल तक के लंबे अरसे के लिए हम फिर कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ला बनेंगे, कभी वनस्पति बनेंगे, कभी उड़ने वाला पक्षी डोड कौवा बगर बनेंगे, कभी मगरमच्छ बनेंगे, पता नहीं कौन कौन सी, कभी सुअर बनेंगे, कौन कौन सी योनियों में भटकेंगे। हमारे हाथ से कीमती चोला कीमती जो चला ना जाए, ये बड़ा अमोलक है, इसको संभाल के रखें, मालिक के लेखे लगाएं। बात संतों की ना, दो दिन तो बहुत लंबा अरसा है, आपके बारे में तो मैं कल्पना ही कर सकता, मैं मेरे बारे में सोच सकता हूँ कि एक अगले पल में पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं, किसी को भी पता नहीं अगले पल में होने वाला क्या है। एक श्लोक परम पूज्य बाबा जी अपने पवित्र जुबान से उच्चारते थे, वो क्या था कि एक बूंद आकाश की और पृथ्वी पर पड़ी, उसमें बुलबुला बना, दूसरी बूंद उसके सिर पर चोट मारी, वो मिट गया, देर कितनी लगी। पानी कीरा बुदबुदा, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यो तारा प्रभात। पानी बुलबुला उसकी कितनी की मियाद है, देखते ही सूरज निकलते, सूरज के किरण पड़ते ही वो प्रभात का तारा एक सेकंड में छिप जाएगा।
जो फल पाक के भोएंगे बहुर न लागे डार। एक बार हाथ से छिनने के बाद में दोबारा ही चोला हाथ आएगा, इसलिए बहुत संभल के चलने वाली बात है, बहुत संभल के चलने वाली बात है। हम अपना भल कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ क्या, इसमें मद भागवत गीता में छठा चैप्टर है, उसमें एक बहुत कीमती बात कही गई, पनपुनी बाबा जी अक्सर मेरे से पढ़वाया करते थे, वो क्या, आदमी खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा मित्र है, वो खुद ही अपनी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि वो किसी कामल रहवर की शरण पकड़ के अच्छी सोबत में पढ़ करके अच्छे सत्कर्म करवाता है और वो निष्काम कर्म करता है और अपने आप को प्योरीफाई करके मालिक का हिस्सा था, मालिक में विलीन होने के लिए आत्मा को मुक्ति के द्वार पर ले जाने का प्रयास करता है, वो अपनी आत्मा के साथ में सबसे बड़ी मित्रता कमा रहा है। और यदि विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके, इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़कर मन के कहे उल्टे काम करता है और 84 में इसको धक्के खिलाने की, नर्क में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ, तो अपनी आत्मा के साथ में सबसे बड़ी शत्रुता कमा रहा है। खुद को फैसला करना है कि मुझे मेरी आत्मा के साथ में क्या सलूक करना चाहिए। परम पुनी श्याम मस्ताना जी का एक वचन आता है, परम पुनी बाबा जी के पवित्र जुबान से मैंने सुना है, वो क्या फरमाते थे, तेरा राम तुझ में जपे तो जप नहीं तो पड़ खट में, मुझे तुझसे क्या चंदा लेना है। संत महात्मा तो यही फरमाते हैं। एक बात और भी है, आखिर तर्स खा के कहना पड़ता है, वो कहते जैसे गीता में बताया कि तू अपनी आत्मा के साथ में मित्रता कमा, क्यों दुश्मनी कमाने में लगा। वो फिर क्या पता, एक जगह कहा गया तरस खा के कहा गया, अपने जीव की दया कुछ पालो, 84 का फिर बचा लो। अरे कोई दूसरा तरस खाने के लिए नहीं आएगा, 84 की फिर से तू बच जा, अपनी आत्मा का कर ले तू, अपनी आत्मा को उबार ले इन चीजों से, परिस्थितियों से उबार ले तू, मुक्ति के द्वार पे पहुंच, किसी कामल ड्राइवर की शरण पकड़। बात संतों की ना मानी, बात सजित जानी, जीव करता है मन मानी, मन धोखा दे कर मारा है, बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है। परम पुनी और दुनिया से कम मिल, जो दुनिया से गठजोड़ा करके फंसता फिरे मोह में, तो तेरी मर्जी की बात है, धक्के खाए तो खाए, पर स्त्री को माँ बहन समझ। फिर भी अगर कोई गलत दृष्टि डाले, उल्टे चक्रों में पड़े तो नरकों में जाए तो जाए, कम खा, हक हलाल की रोजी रोटी कमा, हक हलाल का टुकड़ा खा, मांसाहारी नहीं शाकाहारी भोजन खा, फिर उल्टे काम करे तो करे, और जाग रात को उसको याद कर। दुनिया से कम मिलजुल, कम खा, श्वास श्वास पे उठते बैठते चलते पड़ते जागते, वो सारा उसको सिमरन कर, उसको भूल मत, मौत को नजदीक समझ, सतगुरु को अंदर समझ, ना बाहर था ना है, वो शब्द रूप में हमारे अंदर है। इसलिए परम पुनी श्याम मस्ताना जी जो चीज कह करके गए, यदि उनकी बात पर विश्वास कोई नहीं करे और उल्टे रास्ते चले, तब फकीरों का तो कोई कसूर है नहीं। जीवों की हालत ये है कि कोई, परम पुनी बाबा जी फरमाते थे, कोई एक आदमी बहुत गहरे पेड़ के नीचे बैठा है, चने लेकर के बैठा है, ठंडा पानी लेकर बैठा है, पास में से रास्ता जा रहा है, लू पड़ रही है, एक आदमी पीछे से लंबा सफर करके गया, आगे जा रहा है, उसको उन्होंने फकीर ने बुलाया कि भाई तू सुस्ता ले, थोड़ा लंबी यात्रा करके आए, थकावट उतार ले, चने खा ले, ठंडा पानी पी ले, कि तेरे पास में 500 का नोट है कि नहीं, कि चल चल ये समझ किसी और को दे। अरे बेईमान, तेरा थक उतारना चाहते हैं, तेरा भला करना चाहते हैं, पर हमारी स्थिति ये है। फकीर घूम घूम करके आके गला फाड़ फाड़ करके, परम पुनी बाबा जी ने क्या नहीं किया, परम पुनी श्याम मस्ताना जी ने क्या नहीं किया, वो
प्रेम का पाठ पढ़ा करके गए। हम विचार करें, जो लेसन, जो मैसेज, जो पाठ परम पुनी श्याम मस्ताना जी ने हमें पढ़ाया, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? क्या हमने वो बैठा लिया? वो तो कहते हैं माँ के यार से भी हंस के गुजारो, क्या हम उस पर खरे उतर रहे हैं? वो कहते हैं ईर्ष्या द्वेष देखो ही मत, दूर करो कोई और नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं, क्या हम उस पर खरे उतर गए? परम पुनी बाबा जी क्या फरमाते थे कि हमें एक ही बात पटे, हर घट में बैठा वो कौन? सतगुरु प्रेम रूप में रहता है, प्रेम रूप में गुल बहार, प्रेम की बहार खिली हुई है युगों युग से, दोनों जहान इस जहान और अगले जहान का साथी हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। उन्होंने तो हर घट में समझ कर पूरे जीवन में दिखा दिया उन्होंने, जिसका नतीजा ये था कोई अमृतधारी सिख उनके पास में, कई दूसरे लोग आए उनका विरोध करने लगे, सच्चे सौदे का विरोध करने लगे, और शाह मस्ताना जी तक वो दाग लगाने की कोशिश करी कि नहीं भी मस्ताना जी ऐसे नहीं थी, उनकी तो वाणी और उनका स्वभाव और उनका सब कुछ जो है गुरु नानक साहब की तरह था। कि नहीं ऐसा नहीं, कि नहीं ऐसा ही था कि कैसे हक लाल की रोटी सिखाते थे, संगत को लंगर बांटते थे, आए गए साधु की सेवा मिट नीमा बोलना में नम्रता का भाव सिखाते थे, मालिक अंदर है सबका, यही चीज सिखाते थे, और मृत्यु अपने नजदीक समझो, यही चीज तो सिखाते थे, वही उनकी थ्योरी है। तो क्या तुम उनके मिले हैं? वो क्या कह नहीं उनको मिला तो नहीं, फिर कि उनके सेवक हैं संत जो यहाँ पिछले 40-45 साल से उनकी जीवनी को मैंने क्लू से देखा है, नजदीक से देखा है उनकी कथनी और करनी को। अरे जिनका सेवक इतना कमालो कमाल है, उसका गुरु तो महाकमाल होगा। तो मैं प्रत्यक्ष रूप से इसको फील करता हूँ, देखा है मैंने अपनी आंखों से कि हमने 4 साल का बच्चा था तब से उनकी जीवनी को देखा बड़ा क्लोजली। जो परम पुनी श्याम मस्ताना जी के बारे में उनके परम पुनी श्याम मस्ताना जी के सेवकों जो बाबा जी के गुरु भाई थे उनसे मैं सुना, पूजनीय बाबा जी से सुना, वास्तव में सुना जो जिनको सुना था, जो किताब में पढ़ा तो उनको अपने जीवन में फलीभूत करके दिखा दिया उन्होंने कि यस परम पुनी श्याम मस्ताना जी वो हस्ती थे। एहसास करा दिया अपने आचरण के जरिए लोगों में, मैसेज छोड़ दिया मेरा गुरु वो था। अब जहां तक हम अपने आप में सोचे, हम परम पुनी श्याम मस्ताना की लाइन का अपने आप को कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, क्या हम में वो थोड़ी बहुत झलक है? बातों का मजबूत नहीं है, हमारे आचरण की बात है। सिक्खी वाले निक्की खंडो तिखी विखड़े मार्ग चलना, वो कठोर मार्ग चलना, बड़े ऐसे बड़ा कठोरता से कठिनाइयों से भरे मार्ग पर चलने वाली बात है। हम वास्तव में उनकी शिक्षा को जीवन में अपनाएं, तभी एक सही बात, हमारा कल्याण तभी से होगा, अदरवाइज हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। परम पुनी श्याम मस्ताना जी ने मैसेज दिया है, कितने प्यार से बैठे, ये उनका प्यार से दिया हुआ मैसेज ही हम सबको लेकर के बैठा है। पर वास्तव में उन्होंने जो प्रेम जो बांटा था, उस हद दर्जे का प्रेम हम सब अपने जीवन में अपना लेंगे, आपसी ईर्ष्या द्वेष छोड़ देंगे, चाहे कोई भी है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे कुछ भी है, चाहे किसी मजहब को मानने वाला है, सारे अपने ही तो हैं। वो परम पुनी श्याम मस्ताना जी के इस मैसेज को उन्होंने अपने जीवन में बताया, मतलब संजोया था और उस पर चले, उसी बार श्लोक को एक तरह से गुरुवाणी में से उठा करके वो परम पुनी बाबा जी अपने पवित्र जुबान से सत्संग के सामने कभी बार खुलासा करते थे। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई वैरी ना कोई बिगाना, सकल संग हमको बने आई। जब से पूरे गुरु की शरण में आया हूँ, तब से मुझे पराई ईर्ष्या द्वेष सारी भूल गई, मेरे लिए ना कोई वैरी ना कोई बिगाना, मुझे सारे अपने ही नजर आते हैं। परम पुनी श्याम मस्ताना जी का प्रेम का मैसेज, हम सब ऐसा अख्तियार करें, ऐसा रुख अख्तियार करें, हमारे अंदर प्रेम के अलावा दूसरी कोई चीज ना हो, दूसरा कोई आदमी संपर्क में आए वो पदरी ये बड़ा सुगट इंसान है, ये कहां से ऐसा मैसेज लेके आए, और आखिर पहुंचते पहुंचते परम पुनी श्याम मस्ताना जी तक बात जाए कि श्याम मस्ताना जी की लाइन को मानने वाले हैं बच्चे, उनके बच्चे हैं, उसकी फुलवारी के फूल हैं। कितना जबरदस्त धमाका होता है वो काम करने वाला जो बताया है परम पुनी श्याम मस्ताना जी ने, हम कर क्या रहे हैं, हमें थोड़ा सा सावचेत होने की जरूरत है। श्याम मस्ताना जी ने समझाया है, श्याम मस्ताना जी ने समझाया है, काम करने वाला बतलाया है, काम करने वाला बतलाया है, जिसने लाया मलक माया है, वो जीती बाजी हारा है, जिसने लाया
बंदगी करे ना तेरे मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा। नंदन सतगुरु कई दफा तो जब वार से आते तो नारे लगवाते हमारे से, अरे तुमने भजन नहीं करिया डेरा नींद से भर दिया, पर नारे लगाओ। ये नारा जो है ना, ये किसी पंथ का जात का सवाल नहीं, सबका अपने अपने गुरु का धन्यवाद करो। हैं जी, पहले तो जिसने ये प्रोग्राम रखे है भाई, आयो प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। प्रेम घर में होगा घर अच्छा चलेगा, समाज में होगा। छोटे बच्चों को तो है, कोई बड़ा बुजुर्ग माता है चाहे कोई बुजुर्ग आदमी है, उसको राम राम कर दो अगला सिर पुचकारेगा या तेरा राम राजी। आजकल का तो टब्बर बूढ़ी है लहर करके टपैक है आगे करके कोई ना कोई काम उड़ा देखो कह राम बैठा डोका ले। फिर नंदन सतगुरु सेवा करिया करो, बुजुर्गों की सेवा करिया करो। अभी बहुत अच्छा बोल गए हैं, पढ़े लिखे हैं महात्मा संत रोशन जी की जानशीन है ये, हाँ जज साहब जी, तो इस करके बहुत ही फिर इनमें कोई महात्मा वाली आकड़ नहीं है, नीचे बैठते हैं बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी मैं भी एक घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन आज का लोग अंग्रेजी जानते हैं कि हम भजन बोलो बोर हो गया क्या, तो पहले एक भजन बोल लो फिर मैं उसके बाद कोई वचन मस्ताना जी के सुना दो। Thank you.
मेरे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन सज्जन सो सहेड़िए जो चलदे नाल चलन जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन मेरे को निभा दे जिथे मेरे कर्मा दा लेखा मंगा जे के ए नहीं देगा मैं देन नु तैयार है ओ संत सतगुरु पूरा कामल मुरसद ओ काम करदा है ओ काम करदा है नन कचड़िया सो तोड़ ढूंढ सज्जन सत पक्या ओ जीव दे मोया ओ मोया न जासी छोड़ पूरा सतगुरु सहेड़िए पूरी दसे जुगत खाउंदे पींदे हसदे खेड़दे विचे करदा मुकत ढूंढ ले दवारा सब इंतजाम करियो है आना भी धन्यवाद करा जगह आया वाना भी धन्यवाद करा एक प्रेमी है एक साधु है एक संत है इनसे बड़ा भी कोई एक पदवा है वो पदवी क्या है इश्क एन इश्क दे महक में मैं गया उथे इश्क ने मेरी दिलाई लुट ली बठे दुई को नहीं दिलाई लुट ली इश्क लुटता पीर पकंबरा नू बादशाह दी बादशाही लुट ली ओ साई लोका तेरा की लुटिया इश्क ने ते खुदा दी खुदा ही लुट ली भाई लुट ली वो तो परमात्मा को बस में कर लेता है वो आंखों से देखा है मस्ताना जी की कृपा से अरे खुदा तो उनका पानी भरता था धन धन सतगुरु और ये भर लाग रहे देखो आगरे को याद करता हूँ जहां से शुरू चली है प्यास को याद करता हूँ सच्चे सौदे को याद करता हूँ जगमालाई को याद करता हूँ संत रोशन जी को याद करता हूँ रोशन जी को क्या कहूँ मैं संत कहूँ प्रेमी कहूँ साधु कहूँ रोशन जी आज किथे नारा लगाओ सारे इश्क सबसे बड़ा होता है इश्क तो खुदा को भी बस में कर लेता है और वो मस्ताना जी में था बाबा सामने शाह दाता कहने लगे अरे कितने कितने साल हो गए पांच नाम पांच स्थान बताए हो तुम्हारे को कहां तक पहुंचे हो उन्होंने ये नहीं की नहीं ऐसे थोड़ा फेर दिया अपने अपने तजर्बे से उन्होंने बताया मस्ताना बलोचिस्तानी आप कहां तक पहुंचे हो बोलो ना पहुंचा हूं ना अस्ताना पर पहुंचना चाहता हूं तो क्या करता है मैं तो हुजूर के चरण तक पहुंचा हूँ इसको कहते हैं इश्क उर्दू में अब हिंदी में तो इस बात ना माड़ी समझे उर्दू में इश्क कहते हैं हिंदी में जिन्हें प्रेम कमो घर में प्रेम हो सी तो घर अच्छो चाल सी
समाज में कठई है, छोटा टब्बर है, दादो है, दादी है, ताऊ है, ताई, बिना राम राम कर दियो वाह रेखी छोरो ऐ तो बूढ़ी अगे लहर कर की टप्पे बैठा राम डोका ले गए बड़ा धन धन सतगुरु छोटी छोटी बात पहली क्लास को कौन बैठे वो एम ए बी को नहीं कर सके आप भाई लोगों को फर्ज बने बनाना सिखाओ भाई बूढ़ियों है बिना राम राम कर दो कर दो तो मस्ताना जी ने भाई ते ही डेरे बनाए मेरे साथ रहा है क्यों नहीं नहीं पर आदत ना हो बेटे सीखे को नहीं है धन सतगुरु मस्ताना जी ने भाई ते ही डेरे बनाए कोई डेरा अपने नाम नहीं लगाया चाल चाल के नुहिया वाली से मस्ताना जी को ब्यास से जाने वाला नेकी राम है जी नुहिया जाना नेकी राम वो डाक पहुंचाया करता था इन काल से पानी घटी हो गए ब्यास में हाँ जी मैं कौन चल रहा है लोग कहें कागज की लेखी हम कहते आंखों की देखी तो पहली क्लास तो नेकी राम लिया नालो है पहली क्लास अपना ए है जिका छोटा है बूढ़िया ने राम राम कर दियो धन सतगुरु कर दियो ठीक है नी आगलो शीश देगो फिर थे रोटी खान लग रहे हो बारह के कड़ी अलख जगा दी जे दो फुलका है तो एक दे दियो फिर मैं थाना बताऊं अपा राम करना जावा कि राम अपना करना सी तो जाके देख लियो 80-90 साल की उम्र होगी मेरी भाई साध संघ की कृपा हो रहे हैं संत रोशन जी मैं साध महात्मा साधु या संत कोने कहूं रोशन जी आशिक थे इश्क में लुटाना होता उन्होंने लुटाया ही लुटाया लुटाया ही लुटाया कमाया और लुटाया आज उनके जानशीन जज साहब जी हैं इनका नाम क्या है रविदास जी कोई नाम को नहीं ले मैनेजर साहब को नाम को नहीं ले साहब जी वकील साहब को नाम को नहीं ले वकील साहब जी ए जज साहब जी अरे साहब का सागा कोई और लगा दो थोड़ो सो संत लगा दो यार अरे राजा पेट्रोल बढ़ा के साके संत लगा दो जज साहब जी है अज तक मैंने बता दो जो वकील साहब को दूसरो नाम जब नहीं जज साहब को दूसरो नाम कहीं लिए हुए तो अब आगो नाम जी कहीं दूसरो लिए तो बता दो मैं कह बिना रू कर जूत तो मेरे पड़ेगा खैर ठीक है पर चलागा सतगुरु ऐसा है सब ने प्रेम से छोटी छोटी बातें है कि ने रोटी खुआ दो पानी पिया दो बुजुर्ग है भी ने राम राम कर दो धन सतगुरु नारो जगो ओ एक समाज को जा कि पंथ को नारो को नहीं सगला को सांझो नारो है वो धन धन सतगुरु तो अभी ऐसा है एक दो मैं आपको भजन भी सुना दूंगा और जैसे जस साहब जी कहे उधर चंद जी आप वचन फरमा दो देखो जी चंद पर रोशनी डाल दी ये तो पड़े ही सूझबूझ वाले हैं हम तो कुछ नहीं जानते थे कभी सत्संग नहीं सुना था कभी मजलिस नहीं सुनी थी तो एक मैं जैसे महात्मा गुरमुख जी ने वचन फरमाया कि भी रोटी खवाओ आधे फुलके से आधा फुलका खवाओ कहते हम ना खाएं अगले को खवाए हमारे को खुशी मिलती है हम कपड़ा ना पहने अगले को कपड़ा पहनाओ हमारे को खुशी मिलती है किसी दुखी आदमी को सुख पहुंचाओ हमारे को 10 गुने सुख अच्छा मिलता है किसी से बददुआ ना लो खुशी खुशी लो फिर बेड़ा पार है तो हम बकैन गए जी 2-3 साल की बात है पप्पू जी के वहां डेरे में वहां भी बहुत प्रेम मिलता है रघुवीर जी जाया करते थे तो एक प्रेमी है रानिया में ब्याह हुआ मिस्त्री चंद सिंह उसका नाम है गांव केड़ा है काले महात्मा दाने वाला गांव जी गुरमुख महात्मा जी तो मिस्त्री के घर गए बड़ी बड़ी ऊंची कोठी ये कोठी यार सुनी कैसे पड़ी आधी गिर गई कहते ये सरदार था बूटा सिंह 900 बीघा जमीन थी सरदार के कोई महात्मा उसके दरवाजे पर आके उसने अर्क जगाई और रोटी लेने की उसने फकार करी तो उसने धक्का मुक्की करी उस महात्मा की उस बूटा सिंह ने हंकार में आके उसको धक्का मुक्की करी तो रिधियों सिद्धियों वाला वो महात्मा था रिधियों सिद्धियों उसके पास थी उसने ऐसा के वचन कराया जैसे वो चंद सिंह ने बताया कि भी तेरा यहाँ कोई चिड़ी का बच्चा नहीं रहेगा
तेरे रिश्तेदार भी कोई नहीं रहेंगे। तो आज कहने कोठी सुनी पड़ी है, गिर गई 900 बीघा जमीन लोगों ने दाब ली। तो देखो वो बददुआ उसको कहां लेके चली गई, कहती है ना यही बोली घोड़े पर चढ़ा दो, यही गधे पर चढ़ा दो। अगर ये प्यार से कहता भाई फुलका चढ़ गई है जैसा रूखा मिसा है उसका दे दो, ये जरूरी नहीं भी गर्मी बनाना है, जो घर में ठंडा है तो गर्म करके दे दो, महात्मा की खुशी लूट लो। कहती है खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। देखो संगत को खुश कर दिया तो अपने अंदर वाले सतगुरु को खुश कर दिया। अगर एक प्रेमी भी नाराज हो गया तो हमारा सफर खराब हो गया, सारी संगत खुश है तो हमारा सफर तय हो गया। तो भाई सबके अंदर सतगुरु बैठा है, सब सतगुरु के प्यारे हैं, सबके अंदर शहनशाह की जोत जग रही है। कोई शाह मस्ताना बलोचो साहब जी के पुराने प्रेमी कुछ कम है, मैनेजर साहब जी के प्रेमी है, महात्मा रोशन जी के हैं, वकील साहब जी के हैं। तो अपने अपने गुरु का नाम जपना है भरोसा से, दो टाइम जरूर जपना है, मेन चीज सिमरना है। दुनियादारी में रह के लेने देने जरूर मकानी है, पर लेकिन मेन चीज सिमरना है, चलते फिरते सोते जागते अपने होठ हिलते रहे अपने मुर्शिद के नाम पर, उसको कहते हैं गुरमुख। मनमुख कहते हैं जो मन के में चलते हैं, मन के कहे खाते हैं, मन के पीते खाते सोते जागते हैं, मन के भक्ति करते हैं, वो मनमुख है। जो संतों का हुक्म मानता है, कदम कदम से हुक्म मानता है, उसको गुरमुख कहते हैं। अपने मुर्शिद का सिमरन 24 घंटे उसकी होठ चलती रहे। किसी प्रेमी ने बात बताई मस्ताना जी की, वो मग सिंह थे ना गदराने वाला जी, कहना बाबा जी थोनू फलाने आदमी ने गाल काटती। मस्ताना जी कहते भाई बहना मारे कहां लगी है भाई, मारे तो गाली लगी को नहीं, जवान तो उसने गंदी करी है। वो जवान जो सिमरन करने वाली है, बाबे जी के नाम जपने वाली है, उस जवान को कोई गंदी करेगा फिर कितनी देर के बाद मीठी होगी भाई। एक बार तुम्बे के हाथ खारे हो जाए तो दो दिन तो उसके हाथ मीठे नहीं होते। तो ये भाई प्यार से बोलो, प्यार लो और प्यार दो, संगत की खुशी लो, जो सतगुरु को खुश करना है। चाहे हम कितना ही भजन करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितने रोजे रखते हैं, अगर ये किसी प्रेमी का दिल दिखा दिया तो सब निष्फल है। मीठी बोली बोलने वाला मालिक की दरगाह में सबसे पहले जाएगा, और कड़वी बोली बोलने वाला हंकार वाला मालिक से कोसों दूर रहेगा। मिठत नीमी नानका, सच गुणाइया सच, गुण चंगाइया सच। तो तत् संतों ने तत् निकाला है, कहो नानक तत् बचारा, बिना भजन नहीं छुटकारा। संतों ने जी तत् निकाला हुआ है। तो भाई प्यार से बोलो, कम से कम जी हमारे से अच्छा नहीं होता तो माड़ा भी ना करो। आप बड़े सूझवान हो, मैनेजर साहब जी के प्रेमी है, वकील साहब जी के प्रेमी है, जैसे संतों महात्मा ने हमारे को मसूर बताए है, उन उसूलों पर जपो। ये जरूरी नहीं है भी हम कहीं वहां जा नहीं सके, जहां बैठोगे वहां सतगुरु प्रकट है, वो कदम कदम में समाया हुआ है। जैसे महात्मा जसा जी ने कितने प्यारे प्यारे वचन सुनाए, आज सब संतें खुश हो गया। मैं लख लख बधाई देता हूँ भाई, ये रोशन जी महात्मा जी के भाई दिल के टुकड़े हैं, इन्होंने बड़ी सेवा करी है जी। यहाँ भी सत्संग हो भाई, महात्मा जस साहब जी का रता जी का हुक्म मानना और इनके हुक्म के मुताबिक इनके फूलों का हुक्म पर फूल चढ़ाना, और जस साहब रोशन जी का भी हुक्म माना जाएगा। तो ये भी रोशन जी के प्यारे हैं, उनका ये रूप है, बड़ी बदली है, वो आप खुद काम कर रहे हैं। तो हम तो वही चौकीदार थे, डेरे में चौकीदारा करते थे, लकड़ी ले आनी, झाड़ू फेरना, फटे हुए कपड़े थे, हमारे को तो कोई फोटो वाला भी नजदीक नहीं आने देता था, पर नहीं हट जाए खराब करेगा। सबसे नकम्मे आदमी थे हम डेरे में, सबसे नकम्मे आदमी थे। तो तब कोई सात संत का प्यार हो गया, कोई सतगुरु की रजा होगी, उसका हुक्म हो गया, मैनेजर साहब जी की रहमत होगी, आज संगत के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी गुरमुख जी, हमारे तो भी गुरमुख जी बड़े प्यारे हैं, मस्ताना जी का टाइम भी सारा नु एक टाइम देना है बदल के। हां चलो ठीक है जी गुरमुख जी, नहीं नहीं ठीक है जी, और दे देंगे टाइम तो। ना 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 बस चलो चलो। हां जी सुनो साथ संगत जी, हम सब खुश नसीब हैं कि परम पुण्य श्याम मस्ताना जी ने जो फुलवाड़ी लगाई उसके हिस्से हैं। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी वास्तव में ऐसे फकीर हुए जैसा फकीर ना तो सुना गया ना किताबों में पढ़ने में मिलेगा, युगों युगों तक ऐसी मिसाल मिल नहीं सकती।
कैसे आप मत मतांतर कितने आश्रम वगैरह चल रहे डेरे चल रहे, लगभग सभी में ऐसा होगा कि जो फकीर है वो अपने बॉडी के साथ में संगत की श्रद्धा बांधने का कोशिश करेगा, अपने डेरे के साथ में श्रद्धा बांधने की कोशिश करेंगे। परम पूज्य शाह मस्ताना जी एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ईंट भीतों का नाम सच्चा सौदा नहीं। ये 5.5-6 फीट की हाइट है बॉडी की, जो नाम शब्द दिया उसका अभ्यास करके करंट को यहाँ इकट्ठा दो आंखों के बीच में इनके बीच में यहाँ दसवें द्वार के पीछे करे, सूरत और शब्द का मेल करावे, उस प्रक्रिया उस प्रोसेस का नाम सच्चा सौदा है, ईंट भित्तों का नाम सच्चा सौदा नहीं। अपने दरबार से लोगों की श्रद्धा ऊपर उठा दी। फिर अपने नूरी बॉडी का जहां तक सवाल था, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा ये देह तुम्हारी गुरु, इससे भी श्रद्धा लोगों की ऊपर उठा दी कि भाई देह की एक सीमा है, वो अवधि बीतने के बाद में देह चली जाएगी, छोड़ना पड़ेगा। तुम कहोगे गुरु मर गया, तुम्हें मरने वाला गुरु नहीं दिया, तुम्हें सतगुरु दिया, जो मरने वाला गुरु ने हाजिर नाजिर जिंदा राम हर वक्त तुम्हारे साथ में अंग संग है, जहां भी सिमरोगे सूक्ष्म रूप में सतगुरु उपस्थित आकर के आपका काम करेगा, वो मरने वाला राम नहीं। वे ऐसे ऊंचे फकीर और इस हद तक पहुंचने वाला मेरे ख्याल से कोई मिसाल मिल नहीं सकती जिसने ये कहा हो माँ के यार से भी हंस के गुजारो, है कहीं मिसाल ऐसी मिलने वाली? माँ जिसके किसी गुनाह को देख लिया तो माँ जाने और वो दूसरा जिसके के भड़वा जाने भड़वी जाने, तेरा रूह का कनेक्शन उस सतगुरु के गुरु के साथ में, तू गुरु के संस्कार बसा। परम पूज्य शाह मस्ताना जी जैसे अलाही हस्ती जो आए थे, वास्तव में सिस्टम क्या है इस कमाने का, जो सेवक है जिसके दिल में उन्होंने प्रेम का बीज बो दिया, वो बिना कोई अवसर खोए एक सेकंड भी मिस किए उसके नूरी स्वरूप पर एक तरह से नजरें गिड़ाए रहता है। बाहू का एक श्लोक जो है परम पूज्य बाबा जी अक्सर सत्संग में फरमाते थे, अलफ ए तन मेरा चश्मा होवे मुर्शद वेख न रज्जा हूं, लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा हिक खोला इक जाऊं, मेरा सारे शरीर के रोम रोम में लाखों लाखों आंखें एस्टेब्लिश हो जाएं स्थापित हो जाएं और मैं उन आंखों लाखों एक रोम रोम में जो पैदा की हुई लाखों आंखों से एक तक निर्मेश मेरे गुरु का नूरी स्वरूप उनका नूरी चेहरा देखता रहूं, एक आंख को अगर झपकनी पड़ जाए तो दूसरी आंख खुली रहे, एक सेकंड भी एक पल भी मिस ना करूं, उनका दीदार देखता रहूं, इस तरह की बेहोशी का भाव, इस तरह से प्रेम का मतलब प्यासी नजर से प्यास बुझे ही नहीं, लू लू दे मुड़ लख लख चश्मा हिक खोला हिक जाऊं, ऐते डिठिया भी मैनू सबर ना आवे फिर भी मेरी प्यास ना बुझे, होर किते वल भज जाऊं इधर उधर बेहोशी में आके भागता पर मुर्शद दा दीदार मैनू लखा करोड़ा हज जाऊं, मुर्शद का मेरे कामल मुर्शद का दीदार मुझे, मक्का मदीना का हज कितनी बार कर रहे हैं उस लाखों करोड़ों हजों से ज्यादा उस दीदार की मेरे लिए वैल्यू है। इस तरह के भाव सेवक के दिल में पैदा हो कि प्यास कभी बुझे ही ना। ओ कबीर साहब क्या कहते हैं एक जगह, नैना अंतर आओ तू आंख झांप मैं लूं, हे मुर्शद कामिल हे मेरे गुरु मेरे आंखों में तू समा जा, मैं आंख बंद कर लूं ना मैं देखूं और को ना मैं देखन दूं, वो दिल का भाव। परम पूज्य शाह मस्ताना जी परम पूज्य बाबा जी जैसे जो जिन्होंने इश्क कमाया अपने मुर्शद का कामिल मुर्शद का, उनके पास में बैठने से और उनका प्यार लूटने वाले के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है, ये तड़प पैदा होती है, वो उसकी बंदगी के तीन रास्ते बताए हैं परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, एक ज्ञान है ऐसा ज्ञान सारी दुनिया को फना होने वाली मिथ्या समझे कि केवल मालिक का प्यार साथ चलने वाला है वही मेरे काम आएगा, बाकी सारी दुनिया नाशवान है, ये 7 दर्जे का ज्ञान है, पर हमको कहाँ है, हम तो संत कहते हैं कि ये माया है इसका पीछा छोड़ तेरे को खा जाएगी, हम उसको बार बार पकड़ते कि नागे ना बच, हम कहते हैं इसको पकड़ लें, पकड़े रहे बैठे हैं पकड़े बैठे हैं, संत उसको छुड़वाते हैं, हमें ज्ञान नहीं है। दूसरा है योगाभ्यास का जिससे सिमरन कहते हैं, पर सिमरन भी तभी बनेगा
जब गुरु के प्रति, उस स्वरूप के प्रति, हालांकि वो स्वरूप में एक सद्गुरु है, उसमें प्रकट रूप में काम कर रहा है, बलिहारी तिस घट की, जिस घट पर घट हो वो अभेद हो चुके हैं उस मालिक के साथ में, उससे जो प्यार की किरणें प्राप्त होती, बैटरी चार्ज होती है, उससे जो प्रेम मिलता है उसका, अब बच्चा एक छोटा, माताओं का अनुभव है, छोटा बच्चा रोने का बहाना कर रहा है, माँ काम करती रहती, जैसे एकदम से दिल से रोएगा, भाग के काम छोड़ करके उसको सीने से लगा दी, वो प्रेम की जो स्थिति पैदा होती है, तब वो उसका वो फिर सिमरन करेगा, बात कहीं कहीं और जाती है। परमपुनि बाबा ये फरमाते थे, ऐसे तो सारे रास्ते अपने अपने हैं, तरीके हैं, पर इस हकीकी सबसे ऊपर का हकीकी, वो मतलब ऊंची चीज है, वो सब कुछ लूटना जानता है, लूट लेता है सब कुछ। और फिर एक बात और भी कहते हैं, जिन्हें तीनों ही ताबे आ जाए, मां का दिल दूध मिठा, वो ये फरमाते कि जिसके तीनों ही काबू आ जाए उसकी मां का दूध मिठा। इसलिए वास्तव में प्रेम जो है वो इंतहा है, प्रेम मालिक को जीतने की पावर रखता है, बशर्ते कि किसी के अंदर पैदा हो जाए। धन धन सब तेरा ही आसरा। ऐसा राजा जो भजन वाले प्रेमी सबको एक एक टाइम देना है, पहले सीताराम जी को, तो सीताराम जी को आप भी बोलो, तो बेशक बोलो, सीता बोलो, राम बोलो, प्रभु बोलो, सबको एक एक, फिर बाद में अपना प्रोग्राम है रात के 12 बजे तक चलेगा। देखे वीर सिपाही जान की बाजी लागे, लड़ना होगा काल के संग में, नाम के Thank you.
माता तुलसा दे पिता पिला मल हसे
मस्ताना जी कहते सारा बाग लुटाऊंगा सत्संग ते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस बच्चे को लफड़ मारिया कैसे? कहते जी सन अपने बाबा जी प्रसाद। मस्ताना जी कहते प्रसाद प्रसाद खड़ा है सारा, जितना किसी से लुटिया जावे लुटो। लोगों ने पजामे नु गंडा दे दे के भर लिया देखी जाओ। धन धन सतगुरु पजामा ने गांठ दे लिया कोठड़ी बन जाए नी एड़ो। हाँ, दो दो कोठड़ी भाई गंगा नगर ले गए आनगढ़ ताई छिलका ही छिलका। लोग जावे ओड़ो कठू आयो बोलो सच्चा सौदा बाबा बाग लुटायो है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। केड़ी की केड़ी जी की बोले सी तू? गंगा नगर च वंडे बाबे बाग माल्टे ते लोकी तोड़ तोड़ लै गए पर बर बाल्टे। कईयां ने बन पजामियां दी सुथनी च गंगा नगर कहना बुद्ध वाली गांव में बैठा मस्ताना जी को डरो बुने साहब जी नरेंद्र शाह चक
ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਰੈਣ ਸੋੜਾ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਧਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋ ਸੰਗਤ ਕੱਚੀ ਛੜਕੀ ਬੰਦਨਾ ਮੈਂ ਅਰ ਬਈ ਮਟੀਲੀ 4 ਕੋਸ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ 4 ਕੋਸ ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਕੀ ਆਵਾ ਕਿ ਛੜਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੇ ਜਬ ਗਾਡੀ ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਕੋ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਗਾਡੀ ਜਬ ਚਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀਟੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਐ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਐ ਖੜ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਐ ਖੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਣ ਤਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਣ ਕਰੀ ਹੈ ਵਰਕਾਣੀ ਕੋਣੀ ਖਿੱਚੀ ਬੋ ਖੜਿਓ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਆਹ ਬੋਲੋ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰੋ ਕਰਦੀ ਆਓ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਣਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਆਈ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਫਿਰ ਬੂੰਦੀ ਗਾ ਇਹਾਂ ਜੀਆਂ ਡਾਂਗਰਾਂ ਨੇ ਤੂੜੀ ਗਾ ਲਾਈਆਂ ਦੀਦੀ ਫਿਰ ਪਾਂਡਾ ਬੰਦੀ ਬੂੰਦੀ ਜੀ ਅਰ ਕਰ ਮਸਾ ਠਗਾਇਆ ਠਾਕਰ ਬਣੇ ਮਸਾਨਾ ਜੀ ਠਗਾਇਆ ਤੋ ਅੱਜ ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਚੱਲ ਹੈ ਆ ਸਾਪਾਂ ਦੀ ਸਰੀਆਂ ਪਰ ਡੇਰੋ ਬਣਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਰੋਈ ਗਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਨੇਕੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਸਰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਤੀ ਆਪਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮਸਤਾਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਸੱਪ ਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਲੇਖੀ ਹਮ ਕਹਤੇ ਆਖੋ ਕੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੀ ਸੱਪ ਹੈ ਬੋਲੇ ਚਲੋ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਸੱਪ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਲਾਲਟਨ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ ਆਪ ਖਾ ਜਾਤਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਕੀ ਖਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਪੋ ਕੇ ਸਿਰੀਆਂ ਲੱਤੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਖਾਤਰ ਸਾਪੋ ਸੇ ਡਰਤੇ ਆ ਗਏ ਜਾਓ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਡੇਰਾ ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਮਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੁੱਪ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਪ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਟੀ ਕਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਆਪਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਸੋਟੇ ਮਸਤਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਸਾਪ ਬੁਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਬ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਕੋ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਪਾਠਸ਼ਾਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਮੋਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰੀ ਵਿਚਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਸੱਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਦਨ ਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹਮ ਨੇ ਮਾਨ ਤੇ ਸਾਪ ਨੇ ਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਲੇਖੀ ਹਮ ਕਹਤੇ ਆਖੋ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਯਾਦ ਆਤਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 88 ਔਰ ਮੰਗੇ ਦੂਧ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਲੈ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਰੇ ਪਰੇ ਬਾਟੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੱਤ ਬੱਕੜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਬੱਕੜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਠਾਈ ਕੰਦੂ ਦੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਕੰਦੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਮੱਝੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਬੈਠ ਰੱਬ ਦੇ ਪੜਾਈ ਕੰਦੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਮੱਝੇ ਤਾਂ ਆਈ ਤਕਤੇ ਪਾੜਿਆ ਵੰਡੇ ਕੰਬਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇਰ ਜਾਈ ਕੰਦੂ ਦੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬੜੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਰੇ ਆਈ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਮੌਜ ਮਤ ਤਾਨੀ ਆਈ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇ ਬੈ ਕੇ ਸਾਵਣ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਸੀ ਮੌਜ ਮਤ ਤਾਨੀ ਆਈ ਕਰਦੇ ऐसी मौज मत तानी आई तंगते प्रेम रूप में गुल बहार जुगो जुग से दोनों जहान का साथी हर घाट में मौजूद प्रेम रूप च मौज बताई संगत ऐसी मौज ए बचन कम मारे आई संगते ओदे जन्म दिन दे लख लख बधाई संगते ऐसी मौज मत तानी आई संगते चार दुकान च पहली बार आई संगते ओदे जन्म दिन दे लख लख बधाई संगते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी सरार तेरा ही आसरा तो लंदर के साथ जवार बाग में एक हल चला रहा था जम जा रहा हमारा प्रेमी उसने आवाज लगाई कि यार चंद पत गया सांप आ गया काला मैं फटाफट आटा डाल के गया दरवाजा खोला इधर से मैनेजर साहब जी फटाफट आ गए कहते क्या बात भजा जाए ना क्या बात होगी मैं बाबा जी सांप आ गया कहते बेईमान पर सोटी तो लिया तू खाली हाथ भजा जाना मैं सोटी कुटन लेके आया लकड़ी आगे करने वाला तो बाबा जी गए तो सांप सीधा मैनेजर साहब जी कहना आ गया बाबे कहते बेईमान साढ़े को पालद मैनेजर साहब कहते सोटी पा के दूर माल चला के मैं लकड़ी पा के तारा उपर मारा चला के सांप पुठा ही बही फिर आ गया मैनेजर साहब के पास कहते दोबारे फिर चला रही बेईमान दूसरी बार फिर चला दिया सांप फिर वहीं आ गया बाबे कहते हमने तो भाई चोला छड़ाऊगा कहते लै उन्हें बोझ के मारते जाते पता ना लगे मैं कहा तुझे मुंह इधर कर लो माड़ा जा बस एक थोड़ी सी ऐसे मारी बस तो देखो संस्कारी कोई जीव था संतों का हुक्म होया तो देखो वो दरबार में आया थे काला सांप किसको क्या दवाड़ है भाई शनिवार की रात सबसे बड़े संगत आई तो तीन नंबर कमरे में बैठे गुरमुख जी जो तीन नंबर अब भी है अंदर मिलते हैं वकील साहब जी को तो ऐसे तख्ते इकट्ठे हो जाते हैं तो काला सांप जोड़ियों के ऊपर ऐसे लमका हुआ किसी को कोई पता नहीं गंगाराम ग्रोवर वगैरह जब टपने लगे उसने एकदम फकारा मारा सांप बड़ा जोरदार है बाबे कहते इतने किमें आ गया भाई कितना लंबा चौड़ा डेरा देखो बाबे कहते देखो भाई हम चौड़ा छुड़ाने वास्ते आए हैं तो देखो ऐसे ऐसे जीव होते हैं उनका टाइम आ जाता है साधुओं के हाथ से प्रेमियों के हाथ से चूड़ा छिड़ाते हैं भाई तो भाई सिमरन करो कोई भी चीज है टाइम आ जाता है फिर बहाना बनता है हाँ जी शब्द भाई टाइम से दो भाई जहाँ साहब जी ने पानी पूरे दो भाई लेके है ना जी अच्छा पानी तो 32 नंबर कमरे में जहाँ साहब जी महात्मा रोशन जी ठहरे थे तो वहां में चाह पानी वगैरह लंगर अपने 80-85 की बात करता हूँ महाराज
तो महात्मा रोशन जी का बड़ा ही प्यार था संगत का, हमेशा हर दम तक उनका प्यार रहा संगत के साथ। जैसा भी वो ही प्यार कर रहे हैं जो महात्मा। हाँ जी, परम पूजनीय गुरु महाराज सावन सिंह जी ने रूहानियत का खिताब दे के रूहानी टाइटल तो नवाजा सी मस्ताना बलोचिस्तानी तो। मेरे ख्याल है कि उन्होंने मुरसत परस्ती दी जो मिसाल कायम की ओदी मिसाल दूसरा कोई कायम कर नहीं सकता। और मस्ती दे अनखुट भंडार सी, नम्रता दी बे ऐसी मिसाल सी कि जिसकी दूसरी को मिसाल बन नहीं सकती। और जिथे तक अलाही मोहब्बत का सवाल है, पता अथा समंदर सी उसदे, वो जिहड़ी उन्होंने पूरी जिंदगी का निचोड़, उन्होंने 16 अप्रैल 1960 का जिहड़ा वचन का जिहड़ा जिक्र पहले होया है उसके राही संतां के सामने आने वाली पीढ़ियां के सामने खोल के खुलासा किया। क्या प्रेम रूप में गुल बहार युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। उन्होंने जीवन भर प्रेम का वर्तावा किया, उन्होंने अपने गुरु दाम इस कमाया, जबरदस्त इस कमाया। वही इस परम पुण्य बाबा जी ने महाराज शाह मस्ताना जी का, परम पुण्य शाह मस्ताना जी का कमाया। देखो हुण मैं जिक्रकारी बना रहा नहीं जाएगा किस तरह एक 13 साल का 14 साल का बालिक उन्होंने जिम्मे लगी, 4-5 बच्चे खेल रहे सन, छोटे छोटे बच्चे, किसी गुजर दी नाम मेरी याद नहीं आ रहा, ओदी घड़ी चोरी हो गई, वो उन्होंने बच्चे नाम लगी नाल वो भी सी बाबा जी सी, उन्होंने पकड़ के ले जा रहे सीगे। अगे उन्होंने कहा भी छड़ दे मैनू, मैं चुकी नहीं, कि तेरा बाप कसम दे दे भी गुरुद्वारे दे मैं छड़ देंगा। बाप नू क्या पिंडे दे पिता जी ने ना भी बच्चा ने की पता लै ली हो तो मैं क्यों दाग लवान। अगे कबीर जी मिल गए, हुण तो चोला छड़ गए मोहम्मद पुरोही दे, वो कहने इनू कि फट के ले जाने कि भी घड़ी चोरी होगी मेरी, के नहीं चुक सकता, कि प्यो ने तो मना कर दिता कसम देने तो, कहना मैं दिना यदि कसम, कसम दी छुड़ा के लै गया। वो नाल ही चले गए परम पुण्य शाह मस्ताना जी, उन्होंने दिनों के मोहम्मद पुरोही विराज रहे थे डेरे दे विच। उत्थे ज्यों गए उत्थे सब्द की गाया जा रहा सी, झूठे तेरे मात पिता झूठा सगा सोई रे, यम की चोर पटे पड़े सिर ऊपर नेड़े ने आवे कोई रे। दिल तो पिछो पाट के आया सी, ओ दिल दे विच एक तरह ने तूफान अपनी मोहब्बत दा उन्हें दिल दे विच जगा दिता, अपने सांस दे विच लिया। और फिर थोड़ी दिन बाद शाह मस्ताना बलोचिस्तानी कहना शुरू कर दिता। उन्होंने बहुत डराया गया, पहले बहलाया गया, जोड़ा झाड़ने वाले सेवादारी मस्ताना कह इथे कुर्सी मिलेगी, दरगाह च कुर्सी मिलेगी। वह कहते 13-14 साल के बच्चे नूं समझ आ सकती है कि कुर्सी लेनी चाहिए कि ना। तू शाहां दा शाह है, कुर्सी दा लालच ना दियो, तू तो शाहां दा शाह है, इस कुर्सी दे लोभ दे विच आके तैनू जोते झाड़न वाला सेवादारी ना अज कमां ना कल कमां। उहदे बाद डरावा दिखाया, डरावा की घोर नरको में जाना पड़ेगा, नरसों नरको तो भी खराब जगह साडे वास्ते तैयार कर दे, तू उस तो भी खराब जगह तैयार कर दे, घोर नर तैयार कर दे, वह सह लेंगे चले जावांगे, पर तेन शाह का शाह कहे बिना असि नहीं रुक सकते, तू शाह का शाह है। फिर किन्ने डंडे पेंदे सी, मारा पेंदे सी, एक बार तो कहने मरिया छड़ के चले गए। फिर कहते तुलसी जी जो पहरे के दंदे से परम पुनी शाह मस्ताना जी से, वो डंडा चुके लड़न वास्ते जा रहे थे, कहने छोरा किधर जाता है, कह जी ऐसी हालत करके छोड़ दी, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। कह छोड़ तू उसकी बात, रोशन की बात कुछ और है, वो बनाई सी ता करके और सी। फिर मैं गल कर रहा हूं जिस तरह परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने अपने जीवनी का निचोड़ श्लोक दे राही अपने सामने पेश किया है, प्रेम रूप में गुलवार वाला, उस तो सबक लेंदे हुए सिख लेंदे हुए उन्होंने अपने रोम रोम दे विच परम पूज्य शाह मस्ताना जी का प्रेम वसाया सीगा, जिंदगी भर उसते चले। मेरे कई बार संगतां दे विच मिसाल फरमांदे सीगे, एक कैसेट देख रहे सीगे, रामचंद्र जी और तीनों दो भाई वह वशिष्ठ जी दे आश्रम दे विच गुरुकुल दे विच शिक्षा ले रहे सन। उन्होंने जब शिक्षा पूरी हुई, सारे दूसरे भी शिक्षार्थी विद्यार्थी वह गुरु दक्षिणा दे रहे सीगे, रामचंद्र जी कहंदे मैं भी देना चाहना, कहंदे तेरे तो नहीं लेनी, कि नहीं देना चाहना, कि नहीं तेरे तो नहीं लेनी, कि नहीं देना चाहना। फिर की रहे कैसा है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी दे रूप दे विच मैनू गुरु दक्षिणा नहीं चाहिदी, फिर की देवा, तू एक वचन दी गुरु दक्षिणा दे कि जिथे जाए प्यार दे बीज बीजदा जाए, लोग तेरी सुगरता नू तेरे आचरण नू देख करके पुछण ते मजबूर हो जाए,
कि तू ऐसी घड़ता ऐसी खुशबू कितों पाई है, तू बोले गुरु वशिष्ठ तो पाई है, ते मेरा सब कुछ आ गया। ते कहने उस तो परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे इस वचन तो असि यही सिखिया कि जिथे जाना परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे प्रेम दा बीज छिड़कना, उन्होंने जिथे भी गए प्रेम दा बीज छिड़किया, उन्होंने प्रेम दा बीज छिड़किया। सानू किसे नू नफरत दी ते पाठ पढ़ाया ही नहीं, दुई दूर करो कोई होर नहीं, वो तो जेड़ा चीज मैं अर्ज कर चुकी हाँ, उन्होंने ईर्ष्या द्वेष तो दूरी रखी और अहम सिखाया नहीं, नम्रता धारण करो, नम्रता धारण करो। परम पूज्य शाह मस्ताना जी के जेडे संस्कार से उन्होंने बसाए, और उन्होंने महाराज सावन सिंह जी ने जो परम पूज्य शाह मस्ताना की ड्यूटी लगाई, मस्ताना तेरे हवाले बागड़ की है, ये हरियाणा भी एक तरह का बागड़ ही सीगा, और बाकी एरिया बचा राजस्थान का, वो तो ज्योति जोत समा गए, पर परम पूज्य बाबा जी तैयार करके उन्होंने उधर भेजा। ऐसी हालत सी उस एरिए दी, असीं देखी हुई है किस तरह ऐसे ऐसे लोग पिछड़े हुए सीगे, ऐसी स्थिति दे विच सीगे, किस तरह जेड़े पशु नूं मार दिता, मर गया पशु, ओदा मांस कट के जिस तरह कपड़े टंगणी ते सुकाने आ रस्सी ते, इस तरह मांस जो सुका के टुकड़े सुका के एक एक दो दो तीन तीन महीने तक वो खांदे रहिंदे, इस तरह की गंदी हालत विच पिछड़ी हालत विच सीगे। परम पूज्य बाबा जी गए, जन्म तो जिस चीज की नफरत की कई कई दिन तक बैठ बैठ के उन्होंने समझा के, आज हालत ऐसी है, पहले वो हालत सी कि उन्होंने छां तो भी लोग दूर डरते सी, उन्होंने वाली हवा तो भी बच के चलते सी, आज हालत यह है कि परम पूज्य शाह मस्ताना जी की ऐसी कृपा हुई कि आज लोग उन्होंने दूसरे लोग जो नफरत करने वाले उन्होंने हाथ तो बनाया हुआ लंगर खा रहे ने। परम पूज्य शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, शाह मस्ताना, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, उत्थे हो रहा है। ए पाठ पढ़न लई संगतां उन्हां दी आईयां ने, आपां नूं ओह पाठ पढ़ना चाहिए मुहब्बत दा, अलाही मुहब्बत, क्योंकि अलाही मुहब्बत इक आह मारो किथे दा किथे पहुंचा छड़ेगी, करनी बहुत मुश्किल, सिमरन तो किन्नी कामयाबी मिल जाएगी, ज्ञान तो किन्नी कामयाबी मिलेगी, जेहड़ी मुहब्बत है, मुहब्बत करने वाला मैं एक विचार करना है, आप सारे इन्हे बैठे हो, एक आदमी है किसी दे नाल मुहब्बत कर ले, अगर वो आदमी कोई कमी भी आ जाए ओदी फिर भी सोचे के दफा करो है तो मेरा प्रेमी, वो गुरु जेड़ा है बच्चे तो कोई गुनाह भी हो जाए पर मुहब्बत ओदे नाल है, वो कह छड्ड तमे कोई गल इन्हें कर लिया वो तो तार के ही लै जाएगा, मुहब्बत वह चीज है। इस वास्ते परम पूज्य शाह मस्ताना जी फरमाते सी, उन्होंने प्रेम भक्ति सी, इन्नी जबरदस्त मस्ती सी, आलम सी उन्होंने मस्ती का, तुरे जाते सी थे भी थले आकर पैरों के बीच आके डिग गया, गाइया भी नचण लगी, मझा भी नचण लगी, वह चीज सी, और वास्तव में वह उन्होंने दिल के बीच प्यार बसिया सीगा, और उन्होंने पूरे राजस्थान में जिथे जिथे भी गए वह प्रेम के बीज बोए उन्होंने चोला छड़न ताएं, ते महाराष्ट्र तो गुजरात तो कर्नाटक तो और यूपी तो राजस्थान पूरे चो हरियाणा चो सिंध तो रूस तो और अमरीका तो और कनाडा वगैरह तो पता नहीं कितों कितों आकर के रोन दे समाचार आए से। ये परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने उन्होंने दिल दे विच प्रेम दा बीज बोया सी, वो फुट के बड़ा हो गया, अल्फ ए अल्फ आला चंबे दी बूटी मन मुर्शद मेरे लाई हूँ, नफी असबात दा पानी मिले सू रंग हर रंगे हर जाई हूँ, जीवे मुरसद कामल मेरा जिसे बूटी लाई हो, वो बूटी जेड़ी परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने जेड़े उन्हें दिल दे विच लाई सी, वो फुट के इन्नी बहारा खुशबू देन लगी जिसका यह नतीजा है, वो पूरा बागड़ क्या बात क्या, धन श्याम मस्ताना, धन श्याम मस्ताना। मेरे याद आंदा है जब मैं दलिया वरता रहा सी, परम पूज्य शाह मस्ताना जी नाम तो जेड़ा हस्पताल राइस में चल रहा है, वो पेशेंट्स नूं दलिया वरता रहे सी, उत्तों घ्यो पा रहा सीगा, एक माता जी कहन लगी ठहरो जी आप, वो अख ते एक पट्टी बनी हुई होया से अख का ऑपरेशन, वो परम पूज्य शाह मस्ताना जी सरूप वाल हथ करके कहन लगे, वो तो अंग कृपा होने लग रहे हो, मेरे जिस तरह दिल कदे सड़ रहा से बर्फ का डाला किसने रख दिता, इस तरह एहसास होया कि वो इस मकसद तो स्थापित किया गया, वो मकसद काफी हद तक हासिल हो रहा है। ये काम करने आप सारे जिस तरह एक फरमाया महात्मा जी ने कि दूसरा नू प्रेम करो, उन्होंने सेवा करो, एक गुरबाणी का एक श्लोक आंदा है, क्या दुख पर हर सुख घर ले जा, दूजा ने दुख का हरण कर सुख नू घर ले जा, गाविए सुनिए मन रखिए भाव, गाओ सुनो मन दे विच सेवा का भाव रखो, जे सेवा का भाव रखोगे फिर गल हो रहा। परम पूजन जो गुरु गोबिंद सिंह जी का एक श्लोक आंदा है के खलक संसार संगत खालिक ओ मालिक, खलक खालिक की जान कर,
खलक संगत उस खालिक दी मालिक दी जान के खलक दुखावे ना किसे संगत दा दिल दुखाना नहीं चाहिदा। खलक दुखे नंद लाल जी, जे संगत दा दिल दुखी करोगे खालिक कोपे ता है, वो मालिक नाराज होएगा। हुण राजा राम जी दा इन्हां दे बच्चे नूं मैं नफरत करा या दिल दुखावा और इन्हां नाल प्यार करा, ते बाप नूं जद पता लगा मेरे बच्चे दे प्रति इन्हां दा व्यवहार ए, इन्हां दा व्यवहार मेरे प्रति रह जाएगा। उस मालिक नूं उस गुरु नूं राजी रखना चाहने, अगर संगत नूं दुखी करांगे ते मालिक ते गुरु को कदे खुश कर सकांगे? सपना ही ले लो, कदे खुश नहीं कर सकते। इस वास्ते बेसिक ऑब्जेक्ट साडी लाइफ दा ए। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने जो प्रेम दा पाठ पढ़ाया, परम पुण्य बाबा जी जिंदगी भर पढ़ा के गए ने, उस नूं उतार लिया, दिल विच उतार लिए, उसने इंप्लीमेंट कर लिए। जे अपा इंप्लीमेंट नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करते, एवं सेवक अपा सत्संगी बन नहीं सकते। मनना है ते जीवन विच उतारना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी का एक श्लोक कई बार सत्संगा च फरमाते सी, रहणी रहे सुख सुख मेरा। अपा केवल चर्चा करके उठ जाएंगे, इस तो गल नहीं बननी। जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी, वो संस्कारां नूं गुरु दे संस्कारां नूं अपने अंदर उतारांगे नहीं, उस ते चलण दा प्रयास नहीं करांगे, दुनिया दे विच ना ते अपने आप नूं असीं अग्गे पहुंचा सकदे, ना दुनिया नूं संदेश दे सकदे कि असीं फलां गुरु दे सेवक हां। सिखना प्यारा मोह रहत प्यारी मोह, कहिंदा गुरु की फरमांदे ने कि कोई आदमी कह दे मैं सेवक हो गया, सत्संगी हो गया, उस तो मैं वह मैनूं प्यारा नहीं बनदा, ओदी आचरण नूं देखांगा, वो किन्ना क प्यार मेरे संस्कार वसाई बैठा है, मेरे किन्नी हिदायत नूं मन के चल के चल रहा है, वो चीज अपन अख्तियार करनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो ऐसा है भाई, किसी दा ये ना मन च रहे, मैनूं टाइम नहीं दिता, जिहड़ा कोई सैकटरी है उन्होंने सर एक शब्द का टाइम बोल लो, मुड़ के हुण सुरती मेरी तो प्रसाद करनी पई है, प्रसाद भी आ गया, पर कोई नहीं कितने पास भजदा को नहीं, अजे तक ठहरो। गुरमुख जी ने भी बड़ा साडे जस साहब जी ने बताया, प्रेम करो। बाजी वाला मैक थोड़ा जा उच्चा करते, ओदी ज्यादा सुनती है। मकसद भी जुबा पे लाया न गया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समा करके मैनू कोई दुध कबीरा, हम सतगुरु का कुकरा मोतिया मेरा ना, गले हमारे जेबरी और जित खेचे चिटिया, दाता पिया मेरा सब तो सोना, किसी ने नीविया संग निभा, सद के जावा मैं दाता तो, जेड़े मैं से ही कमीनी नुगल नला, इनामी वाले मस्ताना शाह तो सद के मैं जा, इनामी वाले मस्ताना शाह तो सद के मैं जा, जीने आके गरी बांदी पड़ लेने बा, जीने आके गरी बांदी पड़ लेने बा, इनामी वाले मस्ताना शाह तो सद के मैं जा, इनामी वाले मस्ताना शाह तो सद के मैं जा, जीने आके गरी बांदी पड़ लेने बा, जीने आके साडे ले, तेरा असरम बनाया तू साडे
हम तो वरी गरीबों के लिए आए हैं। दस दिन एक बार का एग्जाम्पल है कि एक कोई अपने मेतर जाति दी औरत सी, नाम सी बिजली, बिजली नाम सी नहीं, जड़ा काली कलूटी सी जड़ा ठक्कर च रोटी बना रही सी, बिजली नाम सी की नाम सी, रामचंद्र ने झूठे वेर खाते हाँ, हाँ। तो तुरे जा रहे सी, मेरे ख्याल कई साल पहले नहाई होनी और बिल्कुल काली कलूटी, तवा भी सरमाज उदे रंग तो, पर पुनी शाह मस्ताना जी पीछे संगत जा रही थी, वो तो लगे पुत्र हमें देगी, दस दिन अपने हाथों से लेके खाई जान, संगतां के जी सानू दियो सानू दियो, वो वास्तव में गरीबां वास्ते आए सी। संगत जी हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहूंगा, आप इन्नी दूरों चल के आए तो मैं तो अपने आप नूं बड़ा खुशकिस्मत समझदा कि आप लोगों के दर्शन करन दा मैनूं सुनहरी अवसर मिलिया। साढ़े विच तो मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, गरीब हाँ नथावा हाँ, पर कामिल मुरशद दा हाथ है, उहदी कृपा और साध संगत जी आप जी दी ठंडी नज़र नाल मेरा वक्त पास होएगा, कृपा बनाई रखना। इस दौरान इत्थे बैठे हाँ आप जी नूं एड्रैस करदे होए, कोई गलती हुई होवे ते अपना बच्चा समझ के साध संगत जी गुरु रूपा साध संगत जी माफ कर देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक विनती होर करना चाहांगा, ये अपा सारे जुड़ते हाँ, शब्द गाए जा रहे ने, जो भी गल्लां चल रही हैं
एक कन रसा करने वास्ते अपन नहीं बैठे, कोई मकसद तो बैठे हैं। जो गल बात चली है कुल मिला के गल मुकदी यही है कि बुले शाह एग्जाम्पल आता है, पीर सी उन्हें पूछ लगा पीर साई रब नू मिलन दा रस्ता की, बोले रब नू की पावना इधरों पटना इधरों लावना इधरों लाव इधरों पटना इधर लावना, कि दुनिया वालों ख्याल हटा करके गुरु वाल ख्याल नू जोड़ दे। ते अपा मालिक दी बंदगी करने लई अपा जन्म लिया है, और जिस गुरु दे लड़ जो लगे है उसका प्रेम वसा के जो नाम सब दिता है उसके स्वरूप ते नज़र रखते हैं, अपना अपना काम करो शाम सवेरे। वैसे तो हर श्वास श्वास के विच हर वेले उठते बैठते चलते फिरते जागते सोते काम करते भी वो नाम याद रखना है, पर शाम सवेरे तो बैठना अमृत वेले 3 बजे बैठना, और शामी जो एक प्रक्रिया नियम तो बैठना ही बैठना है, और जो अपन हिदायत दिती हैं उसकी अपन पालन करिए ता ही अपना सच्चा भला हो सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बैठना पऊगा फिर और 5-10 मिनट। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा सभी। हमारे भाग थे और न था कोई मनाने वाला, हम यूं ही भट झोंकते मर जाते, जिना आता शाह मस्ताना सच्चे सो दे वाला। शाह मस्ताना तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया, कुछ न बन सके तमाशा बना दिया, कुछ न बन सके तमाशा बना दिया, मताना तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया, मताना तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। Oh, my God.
बलि ना आवे तो ले।